अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग ऑयल बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक कप ऑयल लिया है। प्योर ऑयल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी प्योर खुद निकलवा के यूज़ करें। उसके साथ मैंने एक चम्मच मेथी दाना, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं बस एक कप में एक चम्मच ही मेथी दाना डालूँगी। और कलौंजी, जिसमें हर बीमारी से शिफा है। अगर आपके बालों में किसी किस्म की डेड सेल्स वगैरह या कोई भी मतलब पिंपल्स वगैरह कुछ भी हैं, तो ये बहुत उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये बालों को अच्छी ग्रोथ भी देता है। नेक्स्ट हमने लिया है फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, अलसी के बीज हैं, और इसको भी मैं एक चम्मच लूँगी। अलसी को आप वैसे भी पानी में बॉईल करके और अपने सर पे लगा सकते हैं। ये आपके बालों में एक जान डाल देता है, जितने कम बाल हो रहे हैं उसमें ग्रोथ में इजाफा करता है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अब यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा हम लेंगे एक छोटा सा प्याज, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। और साथ में मैंने लहसुन के 3 जवे लिए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने तेल को जलाना नहीं है, ठीक है। एक मैंने पैन लिया, इसमें मैं अब ऑयल डाल रही हूँ। ये प्योर सरसों का तेल है, जो कि मैं खुद बाज़ार से निकलवा के लेके आई हूँ। इसको थोड़ा सा हीट देंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज आपने रफली काट लेना है और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बल्कि आपने इसको डार्क ब्राउन करने के बाद चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता देखें, इसमें झाग बनने लग पड़ी है। आप इसको चम्मच हिलाते रहें और पकाते रहें। मुझे तो इस तेल से बहुत फ़ायदा हुआ है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तेल से आपको क्या फ़र्क पड़ा। तेल बहुत ज़्यादा ना बनाएं, एक महीने का भी इनफ है, और हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। हफ्ते में 1 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयल लगाएँ, ठीक है। और 1 महीने बाद आप अपने बालों की खुद ग्रोथ देखेंगे। बाकी मैंने इंग्रेडिएंट्स भी बीच में डाल दिए थे, अलसी, कलौंजी और मेथी दाना, और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। हल्की आंच मैंने कर दी थी ताकि ये अलसी वगैरह जो है ना अच्छे से इसमें पक जाए। साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ मैं, ताकि जो प्याज है वो जले ना। अभी भी प्याज देखें पिंक हो गया है, इसको हमने थोड़ा सा और डार्क करना है, लेकिन ब्लैक नहीं करना, ठीक है। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये ऑयल बनाने में, और इजीली ये आप 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से बालों में लगाएं और एक रात छोड़ दें, अगले दिन धो लें। अब मैं इसको जो है ना छानने लगी हूँ। इसको स्ट्रेनर की मदद से हम लोग छान लेंगे अच्छे से, और जो ये बीज वगैरह इनको फेंक देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका सारा जो टेस्ट है वो बीच में आ चुका है ऑयल के। और ऑयल मेरा रेडी हो चुका हुआ है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख दें तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऑयल में जान आ जाती है। ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, धूप है तो धूप में रख दें थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए, और ये ऑयल हमारा रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग ये ऑयल ज़रूर बनाएंगे। और मुझे कमेंट में बताइएगा बाद में कि आप लोगों के बालों में क्या फ़र्क आया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।